हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकाय को विकास कार्य के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू का 7% प्रदान किया जाता है। निकायों द्वारा अलग अलग मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा, पिछले साल सरकार ने शहरी निकाय के पास उपलब्ध राशि की जानकारी इकट्ठा की थी और यह सामने आया कि 5,500 करोड़ रुपये निकाय के पास बैंक में सावधि जमा के रूप में पड़े हैं। व्यवस्था में 3-tier सिस्टम है। 3-tier सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जिन्होंने बताए हैं ये कॉरपोरेशन के काम है और कॉरपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का सेल्फ, ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा